from Sri Lanka. I took re-admission in the International Sports School, Sunam, because I love environment of this school very much. I did not enjoy going in my local school, but here all my friends and teachers are very loving and caring. I love my school very much. Now my parents will tell you about my school. Thank you. नमस्ते, आई वो मैं श्रीलंका से आई हूँ. हम पहले यहाँ पे एडमिशन करवाया है हमारे बेटी को. पहले हमारे बेटी श्रीलंका में है पढ़ाई किया, पॉपुलर दो स्कूल में पढ़ाई किया है, कैम्ब्रिज सब्जेक्ट में वहाँ किया. वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कहेंगे तो बहुत महंगा है. एडमिशन फीस भी 3 लाख से ऊपर स्टार्ट होते हैं और इसके बाद टर्म फीस 35,000 ऐसे ईयरली ईयरली बढ़ते हैं. और स्कूल बुक्स भी 25,000 जाते हैं बुक लिस्ट लेकर देने में. तो वहाँ पे वो हमेशा कहते हैं मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है. और हर बच्चे को ज्यादा मतलब रोबो जैसे है वो, ऐसे बच्चे के ऐसे टेंशन ज्यादा दिखते हैं. तो मैं यहाँ आया है, इसके बाद हम स्कूल ढूंढा. यहाँ पे दो स्कूल में इनविटेशन भी आया पर मुझे अच्छा नहीं लगा जैसे. तो हम ऐसे ढूंढने के बाद ऑक्सफर्ड इंटरनेशनल मिला हमें. तो हमें वहां जाने के बाद मतलब गया तो बहुत अच्छा लगा, है ना? अभी बताइए मुझे. सबसे पहले तो नमस्कार सबको. आपको पता है मैं तो चलो इंडिया से हूँ, मैं शादी की है श्रीलंका से. सबसे पहले आपको यही बताना जरूरी था. और हमारी जो बेटी है, हम स्कूल ढूंढ रहे थे इंडिया में आके कि कौन सा अच्छा है. बहुत सारे स्कूल में हम गए पर्सनली कि कौन सा अच्छा हो सकता है. पर उसके बाद हम गए द इंटरनेशनल ऑक्सफर्ड स्कूल जो कि सुनाम में है, सिटी रोड पे. वहां जाने के बाद सबसे पहले तो जो टीचर लोग है ना, सारा स्टाफ ही इतना फ्रेंडली है कि ऑटोमेटिक है कि बहुत अच्छा लगता है. ऐसे बहुत सारे स्कूलों में जाने के बाद ऐसे इतना फ्रेंडली माहौल मुझे नहीं मिला. और पैसे के लिए बाकी स्कूल यहाँ पे ऐसे नहीं है. तो बाकी सारे लोग पीछे पड़ रहे थे कि हमारे स्कूल में एडमिशन कराइए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए. पर यहाँ पे ऐसे एडमिशन के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे थे. ऐसे कह रहे थे आप रिलैक्स होके देखिए, ऐसे ऐसे हम स्टडी कर रहे हैं. हमारा डाउट सारा क्लियर कर रहे थे. यही एक पेरेंट्स की नीड होती है. स्कूल आने के बाद इनारा के मार्क्स भी अच्छा हुआ, बिहेवियर भी अच्छा हुआ. और ये ही सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारी बेटी को ये स्कूल इतना पसंद है कि हमेशा कहती है मैंने ऑक्सफर्ड इंटरनेशनल स्कूल में ही जाना है. और जब श्रीलंका में थी कहती थी मुझे स्कूल नहीं जाना, हमेशा बहाना लगाता है ना बच्चा, वैसे हो रहा था. पर यहाँ पे कहती है जल्दी उठ के ऐसे कह रही है मैं रेडी हो गई हूँ, स्कूल जाना है स्कूल जाना है. और बाकी कोई भी स्कूल होगा कभी भी ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड नहीं करता, पर द इंटरनेशनल ऑक्सफर्ड स्कूल जो कि सुनाम में है वो ऑर्गेनिक फूड हमेशा हमें अपडेट दी जाती है मैसेज में कि आज का फूड ये है, टुमारो क्या होगा, फ्रूट्स में क्या होगा और लंच में क्या है, सारा कुछ ऐसे बताते हैं. तो हम एक जुड़े से हुए हैं स्कूल में. हमारा बिजनेस है सारा कुछ, ट्रांसपोर्ट बिजनेस है हमारा श्रीलंका के अंदर. हम स्पेशली यहाँ पे आए सबको छोड़ छाड़ के बेटी की स्टडी वजह से. तो मैं तो दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, हम दोनों की तरफ से थैंक यू है कि हमारी बेटी को इतने अच्छे से एक फ्रेंडली माहौल के साथ साथ उसकी नॉलेज को इतना इनहांस किया है कि जितना हम कहेंगे उतना ही कम है. हाँ, थैंक यू ऑक्सफर्ड इंटरनेशनल, आप बहुत अच्छा हमें बेटी को आगे लेकर गया, इसको धन्यवाद है. और मैं श्रीलंकन लैंग्वेज में भी कहूंगी तो ආයි බොවන් මගේ යාළුවනේ මම ඉන්දියාවේ පදිංචියට ආවා. හේතුව මගේ දුව අපේ දුවව අපි ලංකාවේ හොඳම ඉස්කෝලේක තමයි දාලා තිබ්බේ. ඉතින් එහෙ මම කියන්නේ අපේ දුව එච්චර ඉස්කෝලේ යන්න එච්චර කැමති වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මෙහාට ගෙනාවා. මෙහාට ගෙනාවට පස්සේ අපි ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකට තමයි දැම්මේ. ඇත්තටම මාක්ස් වැඩි වැඩි වුණා. දුවගේ හැම කියන්නේ ආකල්පමය අතින් වර්ධනය වුණා. ඉතින් එයා ඉස්කෝලේ යන්නත් කැමති වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ඉන්දියාවේ ඉස්කෝලයක් හොයනවා නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා මේ ඉස්කෝලෙට එන්න කියලා, ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් උනා. Thank you very much.